मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। मानसून ने और ज्यादा तरक्की कर ली है, यानी कि 5% सरप्लस था, अब 6% पर आ गया है और बारिश की गतिविधियां मूसलाधार देखने को मिली हैं। हमने देखा कि कल गोंडिया में भारी बारिश हुई, नागपुर में भारी बारिश हुई और उसी तरह से जो महाराष्ट्र के कई भागों के साथ साथ गुजरात में और दक्षिणी राजस्थान में अच्छी बारिश देखने को मिली, गंगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, कर्नाटका और उड़ीसा, ये सब इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली है। और अब ये जैसे आप देख रहे हैं कि कराची और उसके आसपास भी बादल हैं, तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। और जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया यानी डिप्रेशन कमजोर होकर के वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया था साउथ ईस्ट मध्य प्रदेश और विदर्भ, उत्तरी विदर्भ के ऊपर, अब ये धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होने वाला है। यानी कि ये जो वेदर सिस्टम है ये काफी तेजी से आगे बढ़ने वाला है, यहाँ पर आके ये लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये इस तरह से रिकर्व करने वाला है। यानी कि ये पहले यहाँ तक आते आते पहले क्या हो रहा था कि हम देखते थे कि ये कराची तक या सिंध तक, बलूचिस्तान तक, कभी कभी नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी तक ये पहुंच जाते थे। उसका प्रभाव क्या होता था कि ये राजस्थान, गुजरात, इन सारे इलाकों को बारिश देते हुए जाते थे और पूरे इलाके में भारी बारिश होती थी। और ये जो इसका रूट था वो पश्चिमी रूट था, ये जुलाई और अगस्त में इसी तरह से आगे बढ़े जिससे कि बहुत ज्यादा भारी बारिश की गतिविधियां इन इलाकों को देखने को मिली। और जैसे बाड़मेर में कई हमारे मित्रों ने वीडियो भेजे हैं फसलों के, जो फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बाजरा वगैरह, क्योंकि काफी ऊंचे वो फसल के जो पौधे थे काफी ऊंचे हो गए थे और जब तेज बारिश और हवाएं चलती हैं तो वो बैठ जाते हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि जहां पर अब, क्योंकि बाड़मेर वगैरह में और जैसलमेर वगैरह में सितंबर आते आते यानी कि मिड सितंबर आते आते बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होती है, लेकिन इस सीजन में अगर बारिश होती है यानी फसल जब कटाई पर आ जाती है या पकने पर होती है, उस समय अगर तेज बारिश या हवाएं चलती है तो फसल बैठ जाती है और नुकसान होता है। और दूसरी तरफ जो सोयाबीन की फसल है, वो नीमच वगैरह के जो हमारे भाई है वो लगातार बता रहे हैं कि वहां पर सोयाबीन की फसल पूरे सूखने के कगार पर है, लेकिन आप चिंता न करें। हालांकि बहुत ज्यादा इसमें मैं राहत आपको नहीं की खबर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अब क्या है कि आज से हमें उम्मीद है कि बारिश की गतिविधियां, जैसे हमने देखा था धार, खांडवा, ये खरगोन वगैरह, खांडवा वगैरह में भारी बारिश हुई थी, तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो धीरे धीरे और नॉर्थ में शिफ्ट होंगी, क्योंकि जिस तरह से ये वेदर सिस्टम जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि यहां से इस तरह से टर्न लेगा, क्योंकि जो पश्चिमी हवा है इसको रोकना शुरू कर देंगे। पहले क्या होता था, यहां तक पहुंच जाता था, लेकिन अब जब पश्चिमी हवाएं हावी हो जाएंगे तो ये इधर से जा रहा है एक वेदर सिस्टम, और अगर वो हवाएं बहुत ज्यादा तेज है तो इसको रोक देंगी और वो इसको इधर मोड़ देंगी, तो इसीलिए ये इस तरह से मोड़ने की कगार पे हमें दिखाई दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से, तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख, इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां ही देखने को मिलेंगी। जम्मू डिवीजन में कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, खास करके उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना हमें दिखा रही है, जो अगले 3-4 दिनों या 5 दिनों तक रह सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये जो इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बादल आते जाते रहेंगे, हल्की फुल्की बौछारें कहीं पड़ गई तो पड़ गई, लेकिन 14 तारीख से दिल्ली में बारिश शुरू हो सकती है जो 16 तारीख तक रह सकती है। तो पहले क्या लग रहा था कि ये हरियाणा के आसपास से जाएगा और ये दिल्ली और हरियाणा को काफी भारी बारिश देगा 15 सितंबर के आसपास, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये और ज्यादा टर्न करेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश देगा। तो हम कह सकते हैं कि आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, ये जो इलाके हैं और बुंदेलखंड, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है 15-16-17 तारीख के आसपास में, और पूरा उत्तर प्रदेश बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी देखने वाला है। ये काफी अच्छी बात है कि बिहार में बारिश की गतिविधियां हमने देखा कल काफी अच्छी हुई थी, परसों भी हुई थी, अब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, खास करके पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगा पश्चिम बंगाल यानी कि आधे से ज्यादा पश्चिम बंगाल भारी बारिश देखने वाला है अगले 24 घंटों तक, उसके बाद भी हल्की बल्की बारिश रहेगी। झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, यानी कि बिहार में भी गया, पटना, मुजफ्फरपुर और बाकी इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, वैसे ही खूंटी, रांची, चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, गोंड और ये यानी कि दालटोनगंज, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं और भारी बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में हो सकती है। छत्तीसगढ़ में हालांकि बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है, लेकिन कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे कम हो जाएंगी, लेकिन हल्के से मध्यम बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अब विदर्भ में भी बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि ये वेदर सिस्टम आगे की तरफ जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश के कई जिले हैं, खास करके जो पश्चिमी मध्य प्रदेश बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था
और लोग लगातार शिकायत कर रहे थे कि मैं जो वेदर फोरकास्ट दे रहा हूँ, मैं 14-15 तारीख से कोशिश कर रहा था कि जैसे इस तरह से आएगा तब जाकर के वेदर सिस्टम आएगा। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा आगे का फोरकास्ट दे दिया जाता है तो कई लोगों को ये लगता है कि मैं आज के फोरकास्ट दे रहा हूँ, तो ये अब बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ने वाली है और काफ़ी अच्छी बारिश होगी। और आप कमेंट करके बता देना कि अगर नहीं होती तो मुझे फीडबैक मिल जाएगा, कम से कम मुझे पता लगेगा कि मैंने कहाँ गलती की है। पर उम्मीद मुझे यही लग रही है कि अभी नीमच में बारिश अच्छी होगी, जो नीमच के भाई लोग हैं जो बता रहे हैं कि सूखा है तो वहाँ पर बारिश हो सकती है। उसी तरह उज्जैन, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल, देवास, सिवनी, ये सारे इलाके, शिवपुरी, शाजापुर, ये जो इलाके हैं ये भी बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। अलीराज, बरवानी, जबुआ, ये सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और उसी तरह से गुजरात के भी बहुत सारे इलाकों में बारिश हुई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है और अभी भी अगले 2-4 दिनों तक यहाँ बारिश रहेगी, खास करके दक्षिणी गुजरात में बारिश ज़्यादा रहेगी। राजस्थान के भी कई इलाके यानी कि बाड़मेर से लेकर के पलौदी, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, झालावाड़, ये सारे इलाके बारिश की गतिविधियाँ ठीक ठाक देखेंगे। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक और भीलवाड़ा, ये यानी कि कोटा, बूंदी, बारन और सवाई माधोपुर, इन इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। अलवर और भरतपुर में भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक हमें नजर आ रही है 14-15 तारीख को, और फिर ये जो वेदर सिस्टम है उत्तर प्रदेश की तरफ आ जाएगा। तो ग्वालियर संभाग में बहुत ज्यादा भारी माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां होंगी। और ये जो सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हमें लग रहा है कि अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो लगे हैं इलाके जैसे प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, फैजाबाद, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखने वाले हैं। लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, ये सारे इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है, यानी कि ये पूरा इलाका बारिश देखेगा। और अगर हम एक लाइन खींचें तो वो इस तरह से आने वाली है यहाँ से, यानी कि ये जो इलाका है इसके बीच में ये बहुत अच्छी बारिश देखने वाला है और फिर बारिश की अभी थोड़ी सी और ऊपर की तरफ चले जाएगी। तो ये सारा फोरकास्ट हुआ हमारा इन सारे इलाकों का। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ बारिश की अभी तक कम होगी कि हवाएं एक बार फिर से घूमने लगी है। पहले हमने बोला था कि जब हवाएं इस तरह से जाती हैं, यानी कि जब विंड होती है साउथ वेस्टर्नली सीधी जाती है, यानी कि इस तरह से जाती है, तो यहाँ पर जाके रुक जाती है। ये यहाँ पर क्या है, ये हिमालय है, तो यहाँ जब रुकती है तो यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से ऐसे घूम करके जा रही है, यहाँ रुक नहीं पा रही, तो यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होगी। लेकिन बांग्लादेश में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी होने की संभावना है और अभी भी कुछ उम्मीद ऐसी लग रही है कि जो ये सिंध वगैरह है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ इलाकों में हुई हैं अब, लेकिन कब हो जाएगी। और अगर हम बाकी इलाकों की बात करते हैं यानी कि दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो अब होगा जो मुंबई में, मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई में भारी बारिश की गतिविधियां अब शुरू होने वाली हैं और आज से हमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक या 16 तारीख तक बहुत अच्छी बारिश होगी मुंबई, थाने, दहानू, उसके आसपास के इलाकों में, गोवा वगैरह में, और जो कोस्टल कर्नाटका, केरला, यहाँ पे हल्की से मध्यम बारिश होगी। कर्नाटका के तटीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में, रायलसीमा में, तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में और अंडमान और निकोबार द्वीपों में, ये सारे इलाके अब बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी देखेंगे, यानी मानसून साउथ इंडिया में कमजोर होने के कगार पर दिखाई दे रहा है। स्काई मेट वेदर में अभी के रेत में मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब